नमस्कार, मैं कुसुम प्रसाद आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, आप सभी देख रहे हैं हमें ई विद्या चैनल नंबर 10 पर। और हमारा जो ये सत्र है वो सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है, कक्षा 10 के। और यदि आप बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस सेशन के अंतर्गत वो मैं बता देती हूँ। आज का चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 3। और इसे पढ़ाने के लिए हमारे से जुड़ गए हैं हमारे आज के एक्सपर्ट ऑनलाइन माध्यम से मिस्टर सुशील कुमार सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। जी मैडम, धन्यवाद। और पीएम विद्या चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जी, सुशील सर हैं पीजीटी हिस्ट्री और सर हैं केवी आसनसोल वेस्ट बंगाल से। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को सर आपको इस चैप्टर के बारे में विस्तार से बताएंगे क्या कुछ है, तो आप ज़रूर इस सेशन से जुड़िए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। और हम बता देते हैं किस तरह से आप अपने फीडबैक, अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर है 8800440559 पर। और इसके अलावा आप यदि ईमेल के माध्यम से हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप उसे भी नोट डाउन कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है dth.class10@cieet.nic.in पर। और इस सत्र को शुरू करने से पहले हम बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट G20 से रिलेटेड साझा करना चाहते हैं। वी आर प्राउड दैट इंडिया अज्यूम द G20 प्रेजिडेंसी एंड विल कन्वीन द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन 2023। A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India G20 presidency would be a watershed moment in history as it seeks to play a very important role by finding pragmatic global solution for the well-being of all. And in doing so, manifest the true spirit of Vasudhaiv Kutumbakam or the world is one family. तो आइए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं इस सत्र का और सीधे रुख करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट मिस्टर सुशील कुमार सर की तरफ। जी सर। जी मैडम, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, सबसे पहले आप सभी बच्चों को क्लास 10th में आने के लिए बहुत बहुत बधाई। और एक नए सत्र की शुरुआत, एक नए सेशन की शुरुआत आपकी जो हो वो बहुत ही शुभ हो, आप बहुत अच्छा करें, इसके लिए मेरी पूरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। बच्चों, अगर आप लगातार पीएम विद्या चैनल से जुड़े हैं तो आपको मालूम होगा कि मैंने इस बात पे चर्चा की थी कि क्लास 10th का हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, बहुत ही दिलचस्प लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है और साथ ही साथ ये काफी बड़ा चैप्टर भी है। कई सारे मेरे 16 इयर्स की करियर में मैंने बताया है कि कई बार बच्चों को इस चैप्टर से जुड़ी हुई कई सारे टॉपिक पे बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं। इसीलिए इस चैप्टर को मैंने कई सारे सेशंस में बांटे हैं ताकि सारे कंटेंट्स बच्चों को थ्रू आउट बता सकूं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बच्चों को बता सकूं ताकि किसी तरह की दिक्कत नहीं। बच्चों, अभी तक हमने 2 सेशंस किए थे, उन 2 सेशंस में हमने सबसे पहले शुरुआत की थी जो राष्ट्रवाद के उदय में सहायक होते हैं, उस पर भी चर्चा की थी हमने। देन एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में कौन कौन से चैलेंजेस आ रही थी पर्टिकुलरली यूरोप में, उस पर भी चर्चा की थी हमने। देन हमने चर्चा की थी फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में उसके योगदान को लेकर। एंड लास्ट टॉपिक इन द सेकंड सेशन वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ए नेशन। एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं होती है। राजतंत्र की जो प्रक्रिया थी, एक एब्सोल्यूट मोनार्की की प्रक्रिया से एक देश बनने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं रही, कई सारे स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ा। सेकेंड स्टेज में हमने देखा था, सेकेंड सेशन में हमने जो चर्चा की थी कि फर्स्ट स्टेज दैट मीन 1850 का ट्रीटी ऑफ वियना, जिसके द्वारा कंजर्वेटिज्म का जो इमर्जेंस हुआ था वो किस तरीके से राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में
प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इस पर भी हमने चर्चा की। सो बच्चों, आज हम इससे आगे बढ़ते हुए आज हम सेकेंड स्टेज पे जाएंगे। हमने देखा था 1850 के ट्रीटी ऑफ वियना के बाद क्या क्या चेंजेस हुए थे, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। उससे हमने देखा था कि यूरोप की पूरी पॉलिटिकल बाउंड्रीज चेंज हो गई थी और राष्ट्र या देश की जो एक डेफिनेशन एक नए सिरे से देखा जाने लगा। आज हम इसी सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि राष्ट्र बनने की अदर स्टेजेस क्या क्या रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों याद होगा समरी में मैंने बताया था स्टेज सेकंड जो था द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, द पीरियड बिटवीन 1830 टू 1848, 1830 से लेकर 1848 के बीच में जो पीरियड है, एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं राष्ट्र बनने की प्रक्रिया का सेकंड स्टेज कह सकते हैं। बच्चों 1815 के बाद कंजर्वेटिज्म का इमर्जेंस हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, लिबरल जो फोर्सेस थी वो कमजोर पड़ी, लेकिन कमजोर पड़ने के बाद भी इस प्रक्रिया का जो लिबरल रिवॉल्यूशन है उस प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। लोगों ने संघर्ष करना सीख लिया, लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में जानना शुरू कर दिया। इसी का परिणाम है कि कंजर्वेटिज्म के मजबूत होने के बावजूद यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में रिवॉल्यूशंस होने शुरू हो गए, लिबरल रिवॉल्यूशंस होने शुरू हो गए। और इसका सबसे पहला जो प्रमाण है हम देख सकते हैं जुलाई 1830 में फ्रांस में घड़ी। इस घटना के परिणाम स्वरूप जो बुर्बो डायनेस्टी 1850 के बाद जिसे फ्रांस में दोबारा रिस्टोर किया गया था उसे गद्दी छोड़ना पड़ा और उसकी जगह पे जुलाई 1830 में फ्रांस में फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रिस्टोर हुई और राजा लुईस फिलिप मोनार्की राजा बनने के लिए तैयार हुआ, बट ही वाज अवॉइडेड विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस में घटी जुलाई 1830 में ये घटना इतनी प्रबल थी, इतनी इन्फ्लुएंशियल थी, इस बात का प्रमाण आपको ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के स्टेटमेंट से लग सकता है। क्या था वो स्टेटमेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। बच्चों आप देख सकते हैं फ्रांस में घटने वाली घटनाओं के आधार पर मेटरनिक ने कहा था, व्हेन फ्रांस सीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैच कोल्ड, फ्रांस में अगर छींक भी आती है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। यानी आप समझ सकते हैं कि जुलाई 1830 में जो फ्रांस में ये घटना घटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो रीस्टैब्लिश हुई, उसका परिणाम, उसका जो इंपैक्ट यूरोप के दूसरे भागों में भी देखने की शुरुआत आपको मिलेगी। देखिए ऐसे ही घटनाएं जर्मनी के डिफरेंट पार्ट में, इटली के डिफरेंट पार्ट में, पोलैंड के डिफरेंट पार्ट में घटना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं इसी के परिणाम स्वरूप बेल्जियम जो भी किंगडम ऑफ नीदरलैंड का कभी पार्ट हुआ करता था वो संघर्ष के परिणाम स्वरूप नीदरलैंड से अलग हो गए। ऐसी ही एक लड़ाई 1820 से चली आ रही थी जब ग्रीस ओटोमन एम्पायर के खिलाफ संघर्ष कर रहा था, 1820 से ही वो संघर्ष कर रहा था ग्रीस ओटोमन एम्पायर के खिलाफ, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पा रही। लेकिन जुलाई 1830 में ये घटना घटी, उसने ग्रीस के क्रांतिकारियों को एक होने में और प्रबल कह सकते हैं भूमिका निभाई और इसके परिणाम स्वरूप 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल हुआ, जिस ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल में ग्रीक को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में रिकॉग्निशन मिल गया। बच्चों अब ये जो राष्ट्र बनने की प्रक्रिया थी ये केवल एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, ये केवल कॉन्फ्लिक्ट और वार का परिणाम नहीं था, कल्चर ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई यूरोप के लोगों के बीच में राष्ट्र के विचार को जन्म देने में। आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, इन सभी आर्ट फॉर्म्स ने ना केवल लोगों को अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सिखाया बल्कि लोगों के अंदर में नेशनल फीलिंग्स को स्टेप देने में भी जो कल्चरल मूवमेंट है उनका बड़ा योगदान है। इसी तरह के मूवमेंट जो कल्चर के द्वारा प्रमोट की जाती है
इट इज नोन एज रोमांटिसिज्म। रोमांटिक जो आर्टिस्ट होते हैं उनका बेसिक फोकस जो होता है ऑन इमोशंस, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स होती है, जिसके आधार पे इनका मानना है कि एक शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज तैयार होता है, एक शेयर्ड पास्ट तैयार होता है जो लोगों को एक करने में अहम भूमिका निभाती है। बहुत सारे वर्ग जो रोमांटिक जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने लैंग्वेज का भी अहम रोल माना लोगों के नेशनल फीलिंग्स को शेप देने। कुछ उदाहरण है मैडम, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है बच्चों को समझने के लिए, जैसे जोहानस गोटफ्राइड हैं, एक जर्मन रोमांटिक फिलोसफर हैं, उनका मानना था कि जर्मनी के लोगों को एक करने में जो है जर्मनी के आम लोगों का रोल बहुत है। जर्मनी की जो फोक सॉन्ग्स हैं, जर्मनी के जो म्यूजिक हैं, वो लोगों को एक कर सकती है, तभी जर्मन के लोग सब इकट्ठे होंगे और राष्ट्र बनने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसी तरह जैसे कि मैंने कहा लैंग्वेज, लैंग्वेज का रोल भी बहुत अहम रहा। लैंग्वेज का रोल इस मामले में अहम रहा, आप देख सकते हैं रशिया में जैसे ही सोवियत रिवोल्यूशन हुआ, सोवियत रिवोल्यूशन के बाद जितने भी रशियन प्रोविंसेस थे, सभी रशियन प्रोविंसेस में फॉरेन लैंग्वेज, जो पोलिश लैंग्वेज था उसको हटा दिया गया, रशियन को कंपल्सरी लैंग्वेज बना दिया गया। लेकिन अब क्या हुआ, रोमांटिक रिवोल्यूशन होने के बाद पोलैंड के लोगों ने भी अपनी आवाज उठानी शुरू की और पोलिश लैंग्वेज को भी रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गया। और पॉलिटिकल घटनाओं के साथ साथ, कल्चरल घटनाओं के साथ साथ आप देख सकते हैं कि इस समय जो यूरोप का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी बहुत बदतर हो चुकी थी, जिसने लोगों को नए चेंजेस को प्रमोट करने के लिए, नए चेंजेस को बढ़ावा देने के लिए जो है इंस्पायर किया। इस समय 1830 और बाद देखेंगे यूरोप के सभी भागों में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ा। इसके साथ ही साथ पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने से क्या हुआ, काम की कमी है, काम की तलाश में लोग शहर की ओर भागना शुरू किया। ऑलरेडी वहां रोजगार की कमी थी और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र में माइग्रेट करने से समस्या ये और तेजी से बढ़ी। अब लोग मजबूर हुए, बेरोजगारी की बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली गई, साथ ही साथ लोग मजबूर हुए अनहेल्दी और अनहाइजेनिक कंडीशन में रहने की। इसके साथ साथ जो भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको भी स्टीप कंपटीशन का सामना करना पड़ा, किनसे, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज के प्रोडक्ट्स। हम जानते हैं इंडस्ट्रियलाइज प्रोडक्ट जो होते हैं वो मैनुअल प्रोडक्ट की तुलना में क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। अब लोकल प्रोड्यूसर्स के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो इंग्लैंड से आने वाले प्रोडक्ट का सामना कैसे करें। इन सभी परेशानियों के कारण, फूड शॉर्टेज के कारण, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण समस्या इतनी गंभीर हुई कि 1848 में पुनः पेरिस के लोग क्या हुए, सड़क पे आ गए। लोगों का विद्रोह तेजी से बढ़ने लगा। लुईस फिलिप जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जिनके अंदर में रिस्टोर की गई थी, उन्हें फ्रांस छोड़ के भागना पड़ा और जो क्रांतिकारी है उन्होंने वहां नेशनल असेंबली को फिर से डिक्लेयर किया और फ्रांस को एक कंप्लीट रिपब्लिक नेशन के राह पे ले गया। आइए अब हम स्टेज 3 की बात करते हैं। ये स्टेज 3 कहने में देखेंगे इसके बाद राष्ट्र बनने की जो प्रोसेस है, निर्माण की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगी, उस पर चर्चा करेंगे। ये थर्ड स्टेज की बात कर ले हम, 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लीडर्स। देखिए एक ओर जहां गरीबों की लड़ाई चल रही थी, सड़कों पर उतर रहे थे, वही दूसरी ओर एजुकेटेड मिडिल क्लास भी बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। 1848 में जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है उन लोगों ने लिबरल रिवॉल्यूशंस को आगे बढ़ाने का काम किया। शुरुआत हम सबने देखा फ्रांस के साथ हुई, जब फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन का ये डिमांड यूरोप के दूसरे प्रोविंसेस में भी, जर्मनी में भी, इटली में भी, पोलैंड में भी, ऑस्ट्रो-हंगेरियन रीजन जो है वहां भी कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड शुरू हो गया। साथ ही साथ यूनिफिकेशन की जो डिमांड है वहां भी बहुत तेजी से शुरू हो। 1848 में कई सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन जो मुख्य रूप से किनके द्वारा डोमिनेंट था, मुख्य रूप से एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा, जिनके सदस्य जिनमें भरे हुए उन लोगों ने
प्रिंट पटने एक असेंबली बुलाई ताकि वो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली यानी एक यूनिफाइड जर्मनी की बात किया जा सके, एक यूनिफाइड जर्मनी के लिए वोट दिया जा सके। यहाँ पे उन लोगों ने एक यूनिफाइड जर्मनी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जिसमें भले ही मोनार्की हेड होगा, एक राजा हेड होगा, लेकिन वो पार्लियामेंट के द्वारा क्या होगा, गाइडेड होगा, पार्लियामेंट के द्वारा वो निर्देशित। लेकिन जर्मन राज्यों में जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेट था इट वॉज प्रशा। प्रशा ने दूसरे मोनार्की के साथ मिलके क्या हुआ, इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने इलेक्टेड असेंबली के फॉर्मूला को भी रिजेक्ट कर दिया। और इसमें जो लिबरल रिवोल्यूशनरीज हैं उनको आगे सफलता इसलिए भी नहीं मिली क्योंकि जो जो लोअर क्लास था, जो वर्कर क्लास था, वर्कर क्लास का सपोर्ट भी इन एजुकेटेड मिडिल क्लास को नहीं मिला। उनका सपोर्ट क्यों नहीं मिला, क्योंकि जो वर्कर्स का डिमांड था, ये जो मिडिल क्लास है वो वर्कर के डिमांड के साथ नहीं खड़े। साथ ही साथ महिलाएं जो काफी सालों से लगातार यूरोप में पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए लड़ाई लड़ रही थी, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही थी, महिलाओं के पॉलिटिकल राइट्स को भी डिनाइड कर दिया गया और केवल उनको ऑब्जर्वर बनके पार्लियामेंट में बैठने की इजाजत दी। इन सभी कारणों से कंजर्वेटिव्स ने इस लिबरल मूवमेंट को 1848 में दबाने में सफलता पाई और पुनः वर्ल्ड ऑर्डर को उन्होंने सुन 1848 में उन्होंने जो लिबरल लीडर्स हैं सप्रेस को कर दी, लेकिन फिर भी पुरानी स्थिति को बहाल करने में उन्हें सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्योंकि अब लोग कंप्लीटली अवेयर हो चुके थे, राष्ट्रवादी भावनाएं जो है प्रबल हो चुकी और यही कारण है कि अब राजतंत्र जितने भी थे यूरोप के वो मजबूर हो गए, वो प्रेरित हो रहे थे कि अगर यूनिफिकेशन का प्रोसेस अगर हम आगे ना बढ़वा दें, अगर हम राष्ट्र बनने की प्रक्रिया को हम लीड करने का काम ना करें तो राष्ट्र बनने की प्रक्रिया तो बढ़ेगी ही, लेकिन शक्ति हमारे हाथों से छीन जाएगी और जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं वो हमारा स्थान ग्रहण कर लेंगी। एंड दैट्स व्हाई मोनार्कीज स्टार्टेड टू थिंक अबाउट द यूनिफिकेशन प्रोसेस एंड नेशनलिज्म प्रोसेस वेरी सीरियसली। और इसी का परिणाम है दो राष्ट्रों के बनने की प्रक्रिया जिस पे हम चर्चा करेंगे, वन इज जर्मनी एंड सेकंड इज इटली। आज के लिए बच्चों इतना ही काफी होगा, इसके बाद एक समारोह होगा जिसमें हम देखेंगे ब्रिटेन की बात करेंगे और बाल्कन्स के प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। सो बात करते हैं, हमने सारे स्टेजेस की बात कर ली, सारे प्रोसेस की बात कर ली, अब इन प्रोसेस का परिणाम निकल रहा है राष्ट्र बनने की प्रक्रिया और इस क्रम में हम पढ़ते हैं सबसे पहले किसके बारे में, जर्मनी के बारे में। बच्चों आपने जब लिबरल नेशनलिज्म पढ़ा था पहले, इसके पहले जब शुरुआत में उसमें देखा होगा कि जर्मनी को यूनिफाई करने की कोशिश 1833 में ही शुरू कर दी गई थी, पॉलिटिकल रूप से नहीं की गई थी, इकोनॉमिकल रूप से शुरू की गई। जर्मनी के सभी स्टेट को मिला के एक एसोसिएशन बनाया गया था जोलबेरी और उसके टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार जितने भी जर्मन स्टेट होंगे वहां पे कॉमन करेंसी, कॉमन वेट, कॉमन मेजर, साथ ही साथ कॉमन टैरिफ का इस्तेमाल हो। कहीं ना कहीं जोलबेरी का एक बहुत बड़ा रोल रहा लोगों को यूनिफिकेशन का फायदा बताने में, क्योंकि जोलबेरी के परिणाम स्वरूप जर्मन स्टेट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ा। ये और दूसरी ओर 1848 का जो कोड हुआ उसको दबा तो दिया गया, लेकिन अब राजाओं को भी ये महसूस होने लगा कि अगर यूरोप के ऊपर उनको अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश करना है तो उन्हें नेशनलिज्म को प्रोसेस आगे बढ़ावा देना होगा। यही कारण है जर्मनी के इस यूनिफिकेशन के प्रोसेस को लीड करने का काम जर्मनी के सबसे शक्तिशाली राज प्रशा ने किया। प्रशा के राजा जो इस समय थे कैसर विलहेम फर्स्ट, उन्होंने ओटो वन बिस्मार्क को प्रशा का चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया और उन्हें ये जिम्मेदारी दी कि सभी जर्मन राज्यों को मिलाकर एक यूनिफाइड जर्मनी बनाया जाए और यही बिस्मार्क जो है जर्मनी की यूनिफिकेशन के चीफ आर्किटेक्ट थे।
जैसे बच्चों आपको मालूम होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत की यूनिफिकेशन का चीफ आर्किटेक्ट माना जाता है, वैसे ही जब जर्मनी की यूनिफिकेशन की बात करें तो उनका चीफ आर्किटेक्ट ओटो वान स्मार्ट थे। उन्होंने एक नई पॉलिसी चलाई थी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, जिसमें उन्होंने वार का भी सहारा लिया और टैक्टफुल डिप्लोमेटिक पॉलिसी का भी सहारा। और इस क्रम में प्रशा ने तीन लड़ाइयां लड़ी, 1864 में डेनमार्क के साथ, 1866 में ऑस्ट्रिया के साथ, 1871 में फ्रांस के साथ। और इन तीनों लड़ाइयों पर जीत हासिल करने के पश्चात क्या हुआ, प्रशा के किंग केशव विलहेम वन को इंटायर जर्मनी का, यूनिफाइड जर्मनी का एम्परर डिक्लेयर किया गया और ओटो वान बिस्मार्क बिकेम द चांसलर ऑफ एंटायर जर्मनी। ना बच्चों, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे दैट इज बिल्डिंग ऑफ द नेशन, इटली। जहां तक हम इटली की बात करें, इटली का प्रोसेस भी कम दिलचस्प नहीं था। इटली भी टिल द मिड ऑफ द 19th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू सो मेनी स्टेट्स, देयर वर सेवन मेजर स्टेट्स दैट टाइम एंड ऑल दिस सेवन मेजर स्टेट्स वर रूल्ड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पावर, अलग-अलग राजनीतिक घराना अलग-अलग राजा के शासन कर रहे। और बच्चों यहाँ भी आपको मालूम होगा, इस पर भी हमने चर्चा किया था, 1830 में ही इटली की यूनिफिकेशन की शुरुआत कर दी गई थी जुसेप मेज़नी के द्वारा, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से यूनिफिकेशन के सपोर्टर थे। लेकिन हम सभी को मालूम है मेज़नी को कंजर्वेटिव फोर्सेस ने एक्सिक्यूट कर दिया और जिसके कारण कुछ समय के लिए इटली का जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस है वो फेल हो गया। देखिए 1830 में लिबरल रिवोल्यूशनरी फेल हुए, 1848 में भी लिबरल्स का जो मूवमेंट फेल हुआ, तब जाकर सार्डिनिया पिंगोन जो नॉर्थ इटली का सबसे बड़ा स्टेट था उसने इटली को यूनिफाई करने का निश्चय किया। सार्डिनिया पिंगोन के शासक थे विक्टर इमैनुएल साकी, उन्होंने भरपूर प्रयास किया इटली को यूनिफाई करने और इसी क्रम में उन्होंने काउंट केवूर को इस मूवमेंट के लिए क्या किया, सार्डिनिया पिंगोन का सीएम बनाया, चीफ मिनिस्टर बनाया। और यही काउंट केवूर हैं जिन्होंने अपने टैक्टफुल और डिप्लोमेटिक पॉलिसीज के तहत उन्होंने ऑस्ट्रिया को भी डिफीट किया, फ्रांस को भी डिफीट किया और इस तरीके से पूरा नॉर्दर्न इटली को एक करने में सफलता पाई। बच्चों एक और ध्यान रखिएगा बात, जहां नॉर्दर्न इटली को यूनिफाई करने का श्रेय काउंट केवूर को जाता है, वहीं साउदर्न इटली में घटनाएं कुछ और ही घट रही है। साउदर्न इटली में फ्यूडलिज्म का बोलबाला था और साउदर्न इटली को यूनिफाई करने में जोसेफ गैरिबाल्डी जो मेज़नी का शिष्य था, मेज़नी का फॉलोअर था, उनका रोल बहुत ही अहम। साउदर्न इटली में मूवमेंट को लीड करने का काम गैरिबाल्डी ने किया। 1860 में किंगडम ऑफ टू सिसिलीज की ओर वो बढ़े और वहां आम किसानों के सहयोग से उन्होंने जो स्पेनिश रूल वहां पे शासन कर रहे थे उनको हराने में सफलता पाई। और इस तरीके से टू सिसिलीज पे जीत हासिल करने के बाद गैरिबाल्डी रोम की ओर बढ़े, जहां पे उन्होंने विक्टर इमैनुएल सेकंड के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया। और इस तरीके से 1861 में विक्टर इमैनुएल सेकंड जो है यूनाइटेड इटली के एम्परर डिक्लेयर किए गए। इस तरीके से बच्चों इटली और जर्मनी के जो है यूनाइटेड इटली और जर्मनी के बनने का प्रोसेस जो है कंप्लीट हुआ। बच्चों जैसे कि मैंने पहले बताया कि कुछ टॉपिक इसमें और बचे हैं, जी सर, एक सेशन और लगना है। जी बिल्कुल सर, इसका जो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चैप्टर को हमारे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स तक पहुंचाने के लिए। और हमें उम्मीद है कि जो हमारे स्टूडेंट्स इसे देख रहे थे उन्होंने ज़रूर अपने पॉइंट्स नोट डाउन करे होंगे और हमें अपने फीडबैक ज़रूर देंगे। तो सर सुशील सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट्स जाते जाते हम एक बार आपको बता देते हैं कि यदि आपने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स नहीं ली तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अपने फ्रेंड्स को भी बताएं इसके बारे में। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स फॉर 2023-24 आर अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री एंड दीज टेक्स्ट बुक्स मे बी परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी सेल्स काउंटर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता एंड गुवाहाटी।
एंड दीज सेल्स काउंटर विल बी फंक्शनल ऑन ऑल डेज इंक्लूडिंग गेजेटेड हॉलीडेज सैटरडेज संडेज फ्रॉम 9:30 AM टू 6 PM एंड इफ यू वॉन्ट टू प्लेस द ऑर्डर ऑनलाइन यू कैन ऑल्सो विजिट अवर वेबसाइट ncertbooks.ncert.gov.in and these books will be delivered at your doorstep with no delivery charges. And if you want the soft copy of the books in PDF version, you can also download the for free from the NCERT, Diksha and ePaathshala website and mobile app. So dear students and learners, please visit the website ncert.nic.in to know more about the authorized vendor. तो ये था हमारा आज का सोशल साइंस का सेशन, लेकिन हम कुछ ही पलों के बाद फिर से एक और सत्र लेकर हाजिर होंगे. वो होगा साइंस का फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स और चैप्टर रहेगा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. तो आप ज़रूर इससे जुड़िए और अपनी कॉपी पेंसिल और पेन जो भी नोट्स बनाने के लिए ज़रूर अपने साथ रखिए. और फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त. नमस्कार.